हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्या, स्प्लिट ट्री। नाउ स्प्लिट ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एक सर्च ट्री का टाइप है और इससे पहले हमने देखा था क्या, एवियर ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, रेड ब्लैक ट्री और के डायमेंशनल ट्री। ठीक है, इन सबके वीडियोज मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर जाके अपने कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक को मैंने काफी डीपली समझाया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, स्प्लिट ट्री। नाउ स्प्लिट ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो सॉल्व करने से पहले किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, और इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। नाउ सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या है, स्प्लिट ट्री क्या होता है एग्जैक्टली, पहला पॉइंट आपको गिवन है, अ स्प्लिट ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री विथ नो एक्सप्लिसिट बैलेंस कंडीशन। नाउ स्प्लिट ट्री क्या आपका एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है विथ नो एक्सप्लिसिट बैलेंस कंडीशन, यानी यहाँ पे स्प्लिट ट्री को किसी भी आउटर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को बैलेंस करने के लिए, यानी इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, नाउ अब ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री कैसे है वो मैं जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट क्या आपका, सेकेंड पॉइंट क्या आपका, द स्प्लिट ट्री हैज अ प्रॉपर्टी दैट रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड क्विकली, यानी इसकी एक बेसिक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है ये, कि स्प्लिट ट्री के पास में ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस एलिमेंट्स को उसने जो रिसेंटली एक्सेस किया है उसको वो क्विकली और एक्सेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पे उसको वेट नहीं करना पड़ता है कि मैंने कौन सा एलिमेंट अभी रिसेंटली एक्सेस किया था करके। जो भी उसने रिसेंटली अगर 10, 12, 15 जो भी नोड्स को उसने एक्सेस किया हुआ है, एलिमेंट्स को एक्सेस किया है, उनको वो फटाफट और एक्सेस कर सकता है अगर उसको एक्सेस करना हो तो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड स्प्लेइंग इज परफॉर्म ऑन स्प्लिट ट्री, यानी यहाँ पे एक बेसिक ऑपरेशन कौन सा वाला परफॉर्म होता है यहाँ पे, स्प्लेइंग। ठीक है, स्प्लेइंग क्या है वो आने वाले पॉइंट में अपन पढ़ते हैं। नाउ स्प्लेइंग मीन्स अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्री इन अ सच अ वे दैट मोस्ट रिसेंटली एक्सेस नोड विल बी प्लेस्ड एज रूट ऑफ द ट्री। नाउ स्प्लेइंग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्री, यानी उस ट्री के एलिमेंट्स को अरेंज करना किस वे में, दैट मोस्ट रिसेंटली एक्सेस नोड विल बी प्लेस्ड एज अ रूट ऑफ द ट्री, यानी जो भी उस प्ले ट्री ने जो भी रिसेंटली नोड्स को एक्सेस किया है अगर उसको किसी नोड को रूट ट्री बना रूट बनाना है उस ट्री का, तो रिसेंटली एक्सेस एलिमेंट से वो उसको उठा के उस ट्री का रूट बना सकता है। ठीक है, ये था क्या स्प्लेइंग का मतलब। अब देखते हैं क्या इसका, ये था इसके बेसिक पॉइंट्स। अगर आपको एग्जाम में आता है कि राइट अबाउट स्प्लिट ट्री तो आपको ये 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं और उसके कुछ केसेस हैं वो आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतने पे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। नाउ अब केसेस ऑफ स्प्लेइंग क्या है वो अपन देखते हैं। नाउ इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट पहले केस हैं, zigzag स्टेप, सेकंड है zigzag स्टेप और थर्ड है आपका zig स्टेप। नाउ व्हाट इज zig एंड zag, व्हाट इज zigzag, ये आपको मैंने साइड में नोट लिखा हुआ है। zig का मतलब है लेफ्ट और zag का मतलब है राइट। तो zigzag क्या हो गया, LR यानी लेफ्ट राइट स्टेप, zigzag मतलब हो गया LL स्टेप और ये हो गया L स्टेप, यानी सिंपल बेसिक स्टेप हुआ। अगले अच्छे से अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि इनके zig स्टेप क्या होता है, zigzag स्टेप क्या होता है, zigzag स्टेप क्या होता है, ये इनको किस तरीके से आपको इन केसेस को सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूं आज के वीडियो में। नाउ पहला आपका एकदम बेसिक सिंपल है, कौन सा वाला, zig स्टेप यानी लेफ्ट स्टेप। तो अब यहां पे आप देखोगे एक रूट नोड है, उसका एक लेफ्ट है, उसका राइट है और इस चाइल्ड के यहाँ पे आपके ए बी आपके एक लीफ नोड है। ठीक है, क्या करना है, zig रोटेशन मतलब लेफ्ट रोटेशन करना है यहाँ पे। तो लेफ्ट रोटेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, ये आप यहाँ पे नोड ऐड किया हुआ राइट, तो ये आ जाएगा आपके एल से उठा के आपको राइट में आना है, लेफ्ट टू आपको राइट में आना है। तो ये एक्स आ जाएगा पी पे, पी आ जाएगा सी के नीचे, हुआ क्लियर। देखो यहाँ पे आपको मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूं कि आपको zig स्टेप मतलब क्या हुआ, लेफ्ट स्टेप, यानी जहां पे आप नोड को ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो p है, इसके लेफ्ट में आ गया x, अब यहां पे आपको क्या लगाना है, केस zig स्टेप लगाना है। तो क्या करेंगे, यहां से l से आपको r में आना है, यानी लेफ्ट टू राइट सारे नोड्स को शिफ्ट करना है। तो p आ जाएगा c के प्लेस पे और x आ जाएगा p के प्लेस पे। तो ये आ गया, देखो x आ गया यहां पे, p आ गया c के प्लेस पे और यहां पे आ गया bc, हुआ क्लियर। अच्छे से एकदम बेसिक था ये।
अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, कौन सा वाला? जिग जिग स्टेप, यानी एल एल स्टेप। यानी अब एल एल मतलब क्या हुआ, रूट के लेफ्ट में, लेफ्ट में अगर आप नोड को ऐड करते हो तो वहां पे आपको एल एल स्टेप को परफॉर्म करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूं। नाउ पहले आपका क्या, ये ग्रैंड पेरेंट है, इसका ये पेरेंट हो गया और उसके लेफ्ट में मैंने क्या किया, एक्स नोड को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, एल एल स्टेप को परफॉर्म करूंगा, यानी एल एल रोटेशन में यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूं, यानी जिग जिग। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको आपको एक रोटेशन करना है, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला। तो यहां पे कैसे होगा, जी आ जाएगा डी के प्लेस पे, यानी आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहां पे आप देखोगे एक्स आ जाएगा पी पे, पी आ जाएगा जी पे, जी आ जाएगा डी के प्लेस पे। यहां पे देखोगे तो देखो एक्स आ गया पी के रिप्लेस पे और पी आ गया जी के प्लेस पे और यहां पे जी आ गया डी के प्लेस पे। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक सिंगल रोटेशन हुआ यहां पे वन टाइम। अब क्या करना है आपको, अगेन सेकंड टाइम रोटेशन करना है, क्योंकि यहां पे आपका एल एल स्टेप बोला गया यहां पे। तो क्या करेंगे, अगेन एक्स आ जाएगा पी के प्लेस पे, पी आ जाएगा जी के प्लेस पे, जी आ जाएगा उसके नीचे। तो यहां पे देखो ये आ गया एक्स, ये आ गया किस पे, रूट पे आ गया। नाउ एक्स के नीचे आ गया पी, पी के नीचे आ गया जी। अब जब यहां पे आप परफॉर्म करोगे तो एक्स ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे सिर्फ सिंगल कौन सा बचेगा, ए बचेगा, जो बी बचेगा वो आ जाएगा पी के साथ में। तो यहां पे हुआ क्लियर अच्छे से, कुछ नहीं किया यहां पे आपको, सिर्फ दो रोटेशन किया है, वो भी कौन सा, लेफ्ट और लेफ्ट। तो पहले आपको क्या किया, यहां पे एक सिंगल एल रोटेशन किया और अगेन उसी के अंदर और एक लेफ्ट टू राइट रोटेशन किया है और कुछ भी नहीं। और तीसरा आपका आता है, कौन सा वाला, तीसरा आपका आता है जिग जैग स्टेप, यानी कि एल आर स्टेप। यहां पे आपको दो यहां पे चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये शॉर्ट ट्रिक यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। जिग जैग मतलब क्या हुआ, एल आर स्टेप। जब भी आप एल आर करते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले आर आर और उसके बाद एल एल स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अभी कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूं। यह आ गया जी, अब क्या बोले, एल आर, एल आर मतलब क्या हुआ, लेफ्ट ऑफ राइट, यानी रूट के लेफ्ट के राइट में। यह आ गया रूट, रूट के लेफ्ट के राइट में मैंने नोड को ऐड किया है। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो वहां पे आपको एल आर स्टेप को फॉलो करना होता है। एल आर स्टेप को मैंने दो स्टेप में फॉलो किया, कौन सा वाला, आर आर और एल एल। तो पहले आपको आर आर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद में एल एल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। जब आर आर परफॉर्म करोगे तो वहां पे आपको रूट को इंक्लूड नहीं करना है, रूट इंक्लूड आपका नहीं होगा। जब एल करोगे तो वहां पे आपका रूट इंक्लूड होगा। समझ में आई बात अच्छे से, अब देखते हैं किस तरीके से। नाउ ये आपका ग्रैंड पेरेंट है, बराबर। सबसे पहले यहां पे देखो आपको क्या करना है, आर आर करना है, तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में ही आपको सिर्फ यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा वाला, आर आर। तो कैसे करेंगे, आर आर मतलब क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट। तो ये एक्स आ जाएगा पी पे, पी आ जाएगा एक्स के नीचे। तो देखो यहां पे, ये देखो एक्स आ गया पी की जगह पे, यह आ गया और पी जो है वो एक्स के नीचे आ जाएगा। तो ये देखो एक्स के नीचे आ गया मेरा पी। सिंपल मैंने क्या किया, यहां पे इसको उठा के ऐसे को मैंने ऐसे घुमा दिया ऐसे। ठीक है, तो ये उनके ऐसा आ गया मेरा, हुआ क्लियर अच्छे से। जैसे मेरा आर आर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है उसके बाद में मुझे क्या करना है, रूट को इंक्लूड करना है और एक एल एल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एल एल मतलब क्या हुआ, जहां पे आपका जो ये चाइल्ड था, चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट के बीच में। तो जैसे मैं चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यानी एल एल ऑपरेशन, दैट इज लेफ्ट टू राइट, तो जी आ जाएगा मेरे राइट साइड में, एक्स आ जाएगा रूट में और पी आ जाएगा मेरे एक्स के रिप्लेस पे। तो देखो यहां पे ये एक्स आ गया मेरा रूट पे, क्योंकि एक्स देखो ऊपर आएगा, तो ये आ गया एक्स, जी है एक्स के नीचे आ जाएगा, एक्स के नीचे आ गया जी, बराबर। अब पी आ जाएगा एक्स के बदले, ये आ गया मेरा पी। अब पी के नीचे क्या है, ए बी है, और जब ये यहां पे आ जाएगा तो राइट में क्या बचेगा, सी बचेगा, तो सी आ जाएगा मेरा डी के नीचे। तो ये आ गया देखो जी के सी और डी, हुआ क्लियर अच्छे से। तो ये था आपका क्या, जिग और था जिगजैग और जिगजिग ऑपरेशन। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो है जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।